अंदर जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई है वो बेमिसाल है, कहीं दुनिया में देखने को नहीं मिलता है। राजनीतिक पार्टियों को ही नहीं, दूसरे संगठनों को भी, चाहे जितने भी जन संगठन हो, किसी के पास कोई अधिकार आज बाकी नहीं रह गया है। देश का नागरिक होने के नाते अगर लोकतंत्र में लोगों के अधिकार छीन लिए जाएंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाता है। आज यही पश्चिम बंगाल के अंदर हो रहा है, त्रिपुरा के अंदर हो रहा है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और त्रिपुरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहां जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों के दफ्तरों पर, जन संगठनों के दफ्तरों पर हमले हो रहे हैं, उनको जलाया जा रहा है, जिस तरह से हत्याएं हो रही है, और सिर्फ इतना नहीं, महिलाओं को, चुनी हुई महिलाओं को जो विधानसभा में है, जो दूसरे नागरिक उसके अंदर संस्थाओं के अंदर है, कॉर्पोरेशन के अंदर है, पंचायत के अंदर है, ट्राइबल काउंसिल के अंदर है, उनको जिस तरह से बलात्कार की धमकियां दी जाती है कि या तो इस्तीफा दे दो वरना तुम्हारे साथ बलात्कार होगा, तुम्हारी बच्चियों के साथ बलात्कार होगा। और लगातार हत्याएं, हमले, आगजनी, वहां पर किसी को सर उठाने का अवसर नहीं, अधिकार नहीं। और जहां तक चुनाव का ताल्लुक है, चुनाव के कोई हर आज पश्चिम बंगाल में रह नहीं गए, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के कानून, कायदे, दिशा निर्देश, फैसले सब रद्द की टोकरी में डाल दिए जाते हैं, संविधान को रद्द की टोकरी में डाल दिया जाता है। और वहां पर चुनाव के नाम पर पूरा गुंडा तंत्र है, और जिस तरह से वहां पर एक तरफा चुनाव कराए जाते हैं, ये जो लोकतंत्र की हत्या है, इससे हमें याद आता है वो दौर, अर्धफांसी दौर पश्चिम बंगाल के अंदर, जब ये कहा था वामपंथियों ने कि आज पश्चिम बंगाल के अंदर इस तरह के हमले हैं, कल पूरे देश के अंदर इस तरह के हमले होंगे। और दो तीन साल बाद ही हमने देखा पूरे देश के अंदर लोकतंत्र पर हमला हुआ, सारे के सारे मौलिक अधिकार तक छीन लिए गए। आज ये धरना हम इसलिए कर रहे हैं कि देश की जनता को ये बता सके कि किस तरह से आज पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की सरकारें जो कर रही है, अगर देश की जनता उठ खड़ी नहीं हुई, पूरे देश के अंदर, पूरे देश को पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में बदल दिया जाएगा, कोई लोकतंत्र वहां पर बचेगा नहीं। और इसीलिए मैंने कहा था कि आज लोकतंत्र के बचाने का सवाल है, अगर लोकतंत्र नहीं बचेगा, किसी का कोई अधिकार नहीं बचेगा।